ब्युरोक्रसी राजकीय नेते उद्योगपती राजकीय व्यवस्था ताब्यात घेतात असं राहुल गांधी म्हणाले. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आणि अरुणाचल मध्ये पैसे देऊन राजकीय व्यवस्था ताब्यात घेतली असा आरोप राहुल गांधींनी केला. जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आप भी तमाम आरोप एफबीआई ने तो जांच में ऐसा कहा है. आप लोग ये भी कहते रहे कि अडानी जो है वो चुनावों को भी प्रभावित करते हैं. अभी झारखंड और महाराष्ट्र में स्पेशली चुनाव हुए हैं, वहां पर क्या आपको लगता है कि अडानी ने उनको प्रभावित करने की कोशिश की, और अगर की तो वहां पर आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा? ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है. इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं. एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, अलग अलग स्टेट्स में किया है, पैसा देके किया, और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है. और इन दोनों में लिंक है. पैसा बनता है, पैसा सरकार को बनाने में जाता है, वर्चुअस साइकिल कह दो, देश के लिए नेगेटिव और इनके लिए वर्चुअस साइकिल. तो ये जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पे आप लोन लीजिए, और फिर लोन से आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, सरकार बनाइए, और प्रोजेक्ट्स लीजिए, और वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, ये साइकिल है. जनेंद्र वो आप अभी डिस्ट्रैक्ट करोगे, बाद में बात उसको डिस्कस बात करें, मगर पॉजिटिव